हेलो एवरीवन, आप सभी को हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, क्लास टेंथ में एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ये क्वेश्चन निश्चित ही पूछा जाता है, भले यहाँ पर नंबर बदल जाए। जैसे यहाँ पर रूट 5 है तो यहाँ रूट 3 हो जा सकता है, रूट 7 हो सकता है, लेकिन एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है मैट्रिक एग्जाम में कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, यानी अपरिमेय संख्या सिद्ध करने वाला एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो चलिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है सिद्ध करते हैं। तो इसके पहले हम मान लेते हैं कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, इसके विपरीत हम मान लेंगे कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को जानते ही हैं कि परिमेय संख्या को पी बटा क्यू के रूप में लिखते हैं। तो रूट 5 बराबर पी बटा क्यू, यानी माने हैं कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। तो रूट 5 बराबर परिमेय संख्या, जहां पर क्यू नॉट इक्वल्स टू 0। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ हर में एक डाल दीजिए और तिरछा तिरछी आप लोग गुना जानते ही होंगे। तो पी तिरछा तिरछी पी में 1 से गुना तो पी बराबर रूट 5 में क्यू से गुना तो रूट 5 क्यू, रूट 5 में क्यू से गुना तो रूट 5 क्यू। अब यहाँ पर दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग मतलब स्क्वायर करने पर, तो पी स्क्वायर बराबर रूट 5 का स्क्वायर और क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पी स्क्वायर हो जाएगा रूट 5। रूट 5 का जब स्क्वायर होगा, किसी भी रूट का जब स्क्वायर होता है तो उसका अंक रूट से निकल जाता है, यानी 5 क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए, जब 5 इधर गुना में है तो इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। तो यहाँ पर पी स्क्वायर, यहाँ पर समीकरण 1 इसको मान लेते हैं, पी स्क्वायर बटा 5 बराबर क्यू स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं कि 5 जो है पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, काट रहा है ना। पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसलिए पी भी 5 से विभाज्य है। समझ में आया? देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि 5 का जो है स्क्वायर हम करेंगे तो 25 होगा। तो ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है 25, ये जब 5 से विभाज्य है तो 5 भी तो 5 से कटता है। जब 25 5 से कट रहा है, स्क्वायर जब 5 से कट रहा है तो 5 भी तो 5 से कटेगा। वैसे ही पी स्क्वायर जब 5 से विभाज्य है तो पी भी 5 से कटेगा। पुनः मान लेंगे कि पी बराबर 5 के, 5 के यहाँ पर 5 है, जो भी यहाँ पर सिद्ध करना होगा वही संख्या को मान लेना है। अब यहाँ लिख देना है समीकरण 1 से, समीकरण 1 जो यहाँ पर आप देख रहे हैं यही समीकरण 1 से लिख देना है, और उस समीकरण को यहाँ पर लिख देना है पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर। पी का मान कितना मान है? p बराबर 5 के, यानी p बराबर 5 के, इसका हम स्क्वायर करेंगे और इधर 5 क्यू स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 5 का स्क्वायर होता है 25, और यहाँ k स्क्वायर रहे बराबर 5 क्यू स्क्वायर। इधर 25 गुना में है तो उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, तो k स्क्वायर बराबर
क्यू स्क्वायर बटा 25। अब देखिए 5 से 5 बार में कट जाएगा, यानी के स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटा 5। अब देखिए क्या हो गया, यहाँ पर पी जो है 5 से विभाज्य हो रहा था और यहाँ पर क्यू जो है 5 से विभाज्य हो रहा है, चूँकि क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसलिए Q भी 5 से विभाज्य होगा, यानी विभाज्य है, P ही 5 से विभाज्य है। अतः P तथा Q दोनों 5 से विभाज्य है। इसलिए इसके विरोधाभास से इसमें विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि P भी 5 से कट रहा है और Q भी 5 से कट रहा है, तो इससे विरोधाभास ज्ञात होता है। इसलिए रूट पाँच एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों ऐसे ही सेम आपको एग्जाम में भी सिद्ध करना है, एकदम सेम टू सेम आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा और एग्ज़ाम में भी सेम ऐसे ही आप बनाइएगा। आपको फिक्स है कि ये क्वेश्चन ज़रूर आता ही आता है, हर बार के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन देखा गया है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा, अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।